एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? स्वस्थ रहना और घर पर ही रहना, बाहर कहीं मत जाना, है ना? चलो अब जो है हम अपनी वर्कशीट का लास्ट पेज, पेज नंबर 14 करेंगे। कौन सा पेज करेंगे? पेज नंबर 14 हमारा निबंध है, इससे मेरा परिचय, ये हम लोगों ने नोटबुक में कर लिया है ना? एक बार हम लोगों ने ये कर लिया है, हम दोबारा अपने वर्कशीट में करेंगे। देखो पहला है निबंध मेरा परिचय, माई सेल्फ। संकेत बिंदु दिया है विथ हेल्प बॉक्स, लड़का लड़की, न्यू एरा, प्रथम, मोरबी। अब चलो, अब यहाँ हम शुरू किससे करते हैं? मेरा नाम है। अब आपका क्या नाम है ये आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि मेरा नाम तो अर्चना है ना? तो मेरा नाम है, तो आपका जो नाम है वो आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे। फिर मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, अगर आप लड़का हैं तो लड़का लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो लड़की हैं लिखेंगे। मैं एक लड़की हूँ, मैं तो लड़की हूँ तो लड़की ही लिखूँगी। आप अगर लड़का हैं तो आप लड़का लिखेंगे, आप अगर लड़की हैं तो आप लड़की लिखेंगे। मैं कक्षा में पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, तो आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? प्रथम, है ना? हम इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ देख के लिखेंगे, प्रथम कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर आप पढ़ती हैं, लड़की हैं तो पढ़ती, लड़का हैं तो पढ़ता हूँ। फिर मेरे स्कूल का नाम ग्लोबल स्कूल है। कौन सा ग्लोबल? न्यू एरा। ये तो सबके स्कूल का एक ही नाम है, इसमें तो कोई लड़का लड़की नहीं है, तो हम लिखेंगे न्यू एरा, न्यू एरा ग्लोबल स्कूल है। मैं रहता हूँ, रहती हूँ, कहाँ रहते हैं? अब बचा मोरबी, तो आप कहाँ रहते हैं? मोरबी में। कहाँ? मोरबी में रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है? तो हमारा पहला मेरा परिचय है कि मेरा नाम जो भी आपका नाम हो। मैं एक लड़की हूँ, मैं कक्षा प्रथम में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम न्यू एरा ग्लोबल स्कूल है, मैं मोरबी में रहता हूँ। चलो नेक्स्ट अपना है निबंध केला। आई लाइक केला, बनाना, है ना? सबको केला अच्छा लगता है ना? अभी तो बहुत मिल रहा है, मुझे भी बहुत पसंद है। केले में विटामिन ए पाया जाता है ना? तो केला, अब इसका हेल्प बॉक्स देखते हैं। संकेत बिंदु, दूध, फल, विटामिन ए, पीला और अच्छा। ये पील होगा, जहां हम आ की मात्रा लगा के पीला कर देंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ओके? अब पहला प्रश्न हमारा, केला एक है, तो केला क्या है? एक फल है। क्या है? फल। ये तो आप लोगों ने कर भी लिया है ना एक बार नोटबुक में, तब हमारे पास वर्कशीट नहीं थी PA1 की, हम दोबारा वर्कशीट में करेंगे। केला के साथ खाया जाता है। देखो यहाँ साथ साथ दो बार दिया है, तो एक साथ हम ऐसे कट कर देंगे, फिर लिखेंगे दूध, दूध के साथ खाया जाता है। किसके साथ खाया जाता है? ये हमारा दूध लिखा है ना, इसको हम यहाँ लिख देंगे दूध। अब देखो यहाँ के जो है वो भी मिसिंग है, तो हम यहाँ के लिख देंगे, दूध के साथ खाया जाता है। फिर केले से हमें विटामिन ए मिलता है, ये रहा विटामिन ए, तो हम केले से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए। केले का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। पप्पे बड़ी की मंत्रा पी, लपे आ की मंत्रा ला, पीला होता है। फिर केला सबको बचा अच्छा, अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक बनाना, केला मुझे बहुत पसंद है, केला मुझे सबको अच्छा लगता है ना? तो ये रहा हमारा निबंध जो दो ही है, पहला मेरा परिचय, पहला जो है निबंध मेरा परिचय है, ठीक है, और दूसरा निबंध केला है। तो ये दोनों निबंध हमने नोटबुक में कर लिया है, अब हम जो है इसको वर्कशीट में भी कर लेंगे, ठीक है? अब हमारा वर्कशीट जो है वो फिनिश हो गया। PA1 का सिलेबस, ग्रामर
एंड गुल मोहर की बुक, ये सब PA1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। अच्छे से रहना, घर पर रहना और पढ़ाई करना।